बहुत सालों बाद एक बार आता है मले मास है ना भारतीय बोर्ड की फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आई है पार्टी भी नहीं कराई तूने मेरे को यहाँ आ रहा है दीदी कॉल ये देखो छोटा जो रियान का बुल्ला हो रखा ना वो दिखा रही है देखो अपने जूते मम्मी से भी नहीं धुलवाते और दीदी से भी नहीं धुलवाते तो पहले नहीं धुलवाता था भाई मैं सचिन हो रहा था पति का मुंह नहीं देखते सचिन को टेंशन हो रही थी भाई ये अच्छी बात नहीं है मैं दर्शन करा रहा हूँ आपको यार कुछ भी कमेंट करते रहते तुम लोग तो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चा गांव से। तो सुबह के करीबन 8:15 हो चुके हैं आज थोड़ी लेट होगी। आज है 6 तारीख कल है 7 तारीख कल 7 तारीख को मैंने बताया था हमारे गांव में शुद्ध होंगे और 7 के बाद 8 तारीख है शिवरात्रि और शिवरात्रि के दिन हम जाएंगे देवलसारी महादेव मंदिर। तो मेन बात क्या है कि देवलसारी में ना शिवरात्रि के दिन डोली नाचती है तो वो अच्छा हो गया भाई डोली भी दिखाएंगे आपको मस्त करके। और काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि गढ़वाली ब्लॉग जो है वो दोबारा लेके आओ तो मैंने बताया था कि गढ़वाली ब्लॉग जो आएगा वो हर संडे को आएगा तो गढ़वाली ब्लॉग जो बनाया तो काफी सारे लोगों को अच्छा लगा वो और अब डिमांड आ रही है कि तो डेली तो मैं बना नहीं सकता बिकॉज मैंने रीजन बता दिया था और मैंने सोचा कि हर संडे को मैं गढ़वाली ब्लॉग बनाऊंगा। तो फटाफट से चलते हैं भाई आज लेट हो गया। मौसम की बात की जाए तो ये देखो पूरी धूप खिल चुकी है मस्त लग रहा है भाई इस टाइम। और भैया लोग आज जल्दी चले गए बिकॉज भैया लोग पहले चाचा लोगों के यहाँ काम करते थे और अब वो दूसरी जगह काम करने लग गए बिकॉज जो काम उनका था ना वो कम्प्लीट हो चुका है मतलब उनका सिर्फ तोड़ने का काम था और उनको मिस्त्री काम नहीं आता मतलब ईंट की चिनाई होती है तो वो करने नहीं आते उनको तो वो दूसरी जगह चले गए और चाचा लोगों के दूसरे आ गए हैं चिनाई करने के लिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुन। तो ये देखो भाई कल रात की जो दाल बची थी वही इस टाइम है और आजकल ना खाना खाने का मन नहीं कर रहा भाई इस सफेद खाना खाने का तो मैं आजकल नींबू खा रहा हूँ ये देखो घी भी खाता था नींबू खा रहा हूँ आजकल थोड़ी कम कर दिया मैंने घी खाना ये तो मैं बहुत ज्यादा घी खाता था। और मम्मी पहले रोटी नीचे बना रही थी और मैंने बोला भाई लेट होगी आज तो मम्मी ऊपर ही लेके आ गई था भाई ये देखो और कुलदीप भाई कॉल भी नहीं आया अभी तो कुलदीप भाई मैंने बताया था अप्रेंटिस करता हूँ अप्रेंटिस में क्या होता है पढ़ाई भी होती है और साथ में सैलरी भी मिलती है तो काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे पर्सनली पूछ रहे थे। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए हाय रे सांसों में। तो ये देखो भाई ये कल भी गए थे और आज भी जा रहे हैं काम पे जाते हैं भाई आजकल इनकी छुट्टियां पड़ रखी है तो पैसे कमाने पे लग रखे हैं भाई कितने कमाए भाई आज कहाँ जाना है बड़कोट तो आज ये बड़कोट जा रहे हैं तो जो काम हो रहा है ना वो हमारे गांव में भी हो रहा है तो जब पूरा हो जाएगा तब दिखाएंगे कि क्या हो रहा था। और ये भी जा रहा है ये देखो अन्नू तो बहाने वाले चले गए पता नहीं कितने दिन बाद आएगा तो ये तब तक पैसे कमा रहे हैं। किसकी शादी के लिए अपनी शादी के लिए बोल रहा अपनी शादी के लिए इकट्ठी कर तुम जा रहा है शिवरात्रि में देवलसारी अंदर मत जाना ना बाहर से रहना तो मैंने बताया था आशी की दादी जो है वो एक्सपायर हुई थी पिछले साल और अन्नू लोगों के यहाँ भी ऊपर धार में ना सुमित लोग अन्नू लोगों के अपने वो तो अन्नू बोल रहा था कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा बाहर में ही रहूंगा ऊपर रोड पे देखने के लिए भीड़ भयंकर लगती है भाई देवलसारी में। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में और शाम के बज रहे 6:30 आज थोड़ी लेट होगी बिकॉज हमारे ऑफिस में क्या है मैंने बताया था कि ऑडिट चल रहा है और ऑडिट के बाद जब ऑडिट खत्म होने वाला होता है ना तो उसके बाद एक फाइनेंस टीम आती है जो कि होते हैं फॉरेनर तो जो फॉरेनर आ रहे हैं ना उनके वेलकम के लिए एक पार्टी रखी है तो सर लोग काफी बोल रहे थे कि तुम भी इधर ही रहो तो मैंने मना कर दिया मैंने कहा भाई यहाँ सही नहीं लगता मैंने कहा मेरे को तो मैं घर जा रहा हूँ मैंने कहा काफी सारे कमेंट आ रखे हैं उनका रिप्लाई देते हैं जो ये वाली टाइमिंग होती है मेरी जब मैं घर पहुंच जाता हूँ तो उसके बाद मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ काफी सारे लोग जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा। और मैं बता दूं हमारे गांव की जो रोड है ना जो कच्ची रोड थी उसमें भी आज पेंटिंग हो रही है तो काफी अच्छा हो गया भाई हमारी जो सबसे गंदी रोड थी और इसकी वजह से ना बहुत दिक्कत होती थी तो बीच में मैंने बोला था मेरे बाइक का जो टायर था ना वो भी पंचर हुआ था तो इसी वजह से हुआ था बहुत पत्थर ही पत्थर थे और बारिश की वजह से जो मिट्टी ऊपर से बिछाई थी ना वो बह गई थी और जो पत्थर थे ना वो चुभे थे टायर पे उसके बाद टायर पंचर हो गया था मेरा। तो मैं बता दूं काफी सारे कमेंट आ रखे उनका रिप्लाई सबसे पहले जो कमेंट है कि तुम देवलसारी मंदिर में किस टाइम आओगे तो मैं बता दूं जो देवलसारी मंदिर में आएंगे हम
जब मैं हमारी नींद को लेके भाई मेरी नींद तो बहुत लेट में खुलती है छुट्टी के दिन, तो शायद 10 या 11 बजे तक हम देवलसारी मंदिर में पहुंच जाएंगे। तो एक और कमेंट है, दीदी का ही कमेंट है कि शुद्ध के बाद तुरंत नहीं जाते हैं, जब पितृकूड़ा रख देते हैं ना उसके बाद इधर उधर जाते हैं जैसे मंदिर वगैरह में, तो हम अगर जाएंगे तो हम मंदिर के बाहर ही रहेंगे। ये मैंने भी सुना था कि जब तक पितृकूड़ा नहीं रखते उससे पहले कहीं मंदिर में नहीं जाते कि, तो मैं बता दूं अगर हम जाएंगे तो हम मंदिर के बाहर ही रहेंगे भाई, हम अशुद्ध है। और मेन बात क्या थी कि देवलसारी मंदिर में ना शिवरात्रि के दिन डोली आती है, मैंने बताया था सुबह, तो जैसा भी होगा पर हम बाहर ही रहेंगे भाई। तो वहां काफी भीड़ लगती है इसलिए हम जा रहे हैं भीड़ देखने के लिए भाई, बहुत कम एक साल में एक ही बार मौका मिलता है तो इसलिए भी जा रहे हैं। तो फिलहाल पहले चेंज करते हैं और फिर घूमने चलते हैं। तो ये देखो भाई आज इतनी लेट में पहुंचा कि अंधेरा हो गया बाहर, और ब्रोनो यहाँ पे बैठा है, कालू यहाँ पे बैठा है, और यहाँ पे बैठा है रॉकी। तो भाई ये इतना हरामी है ना, इसको कुछ भी बोले ना तो ये डरता नहीं है। चल बे, यहाँ देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता इस पे। चल भग भग, हेलो कर दे, हेलो कर दे, सीखा है कि नहीं सीखा भाई, हेलो कर दे, कर हेलो, इसको पता ही नहीं है भाई, सिखाया नहीं किसी ने, सारे दिन भर तो इधर ही रहता पड़ा हुआ। आप कर रहे कितना बड़ा हो गया भाई ये, और ब्रूनो देखो और कालू, ये तो भाई ये जो गढ़वाली में बोलते जाकरा तो वही है भाई ये। तो भाई मम्मी ने चाय बना ली, आधा चाय पी भी लिया मैंने, और ये देखो ये मैं कल लेके आया था, और ब्रूनो देखो भाई इसके चक्कर में, और यहाँ आ रहा है कि दीदी कॉल, ये देखो छोटा जो रियान का बुल्ला हो रखा ना वो दिखा रही है देखो। हेलो हेलो, नौ क्या वाले वेदांश हाँ। तो भाई रियान्स का छोटा भाई का जो नाम है वेदांश है की वो बता रही है। तो ये देखो भाई वेदांश भाई, ये तो खाने नहीं देता भाई, इसके तो प्राण जाते तब तक। गाइस घूम के आ चुका हूँ आज भारतीय लोगों के यहाँ, कब से आ रहा हूँ भाई भारतीय लोगों के। ये देखो भारतीय बोल रही थी कि फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आया, पार्टी भी नहीं कराई तूने मेरे को। और ये बोल रही थी भाई, ये है ये भारतीय है, और ये है ये सलमोनी है भाई, और इसकी दीदी जो है वो, ये देखो यहाँ पे जो मेरी तारीफ करते रहते भाई, लम्बी को देख के मुझे खुशी होती है कि कोई तो निकला हमारे गाँव से। हाँ वही तो आरती लगाएगी यार, वो वाला गाना आरती, वो वाला गाना नहीं चल रहा आजकल फेमस, तेरी बोली सरमारी है भाई। कौन सा गाना? वो तक फिरी बिजली पानी यक लंप, एक लड़के ने डांस नहीं किया वायरल नहीं हुआ। लंप क्या गाना है सरकार? नहीं नहीं, एक छोटा सा लड़का नहीं था एक गाने में डांस किया वो वायरल हुआ। हाँ सच्ची, अरे ये बोल रही मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तेरे गढ़वाली ब्लॉग अभी उसको बंद कर दे। वही तो मैंने कहा तुझे क्या लग रहा, अच्छा तेरे साथ मैं हमेशा ही गढ़वाली बोलता हूँ, उनको अच्छा लगा, मैंने कहा जो हिंदी सुनते हैं मेरे मुंह से उनको अच्छा लगा, मैंने कहा गढ़वाली जो डेली सुनते हैं हिंदी मेरे मुंह से। जब पहले बैठते थे हम कितना मजा आता था, जो गान लगाते थे हमारे, जैसे तू सब पहले डांस सिखाते हमको एक ही स्टेप। तो भाई अंकी को डांस सिखाया एक बार इन्होंने, मतलब ये आरती सिखाते हमको डांस, अंकी आया एक दिन सीखने के लिए, अंकी ने बोला मैं डांस ही नहीं करूंगा, बोल तो रहन दे, बोल मत सिखा बोल मेरे को। तो भाई यहाँ पे आए थे और यहाँ पे भाई बना रहे रोटी, और सचिन के लिए एक कमेंट था कि तुम अंकुश को जानते हो किसी को, अंकुश का शायद पूरी कास्ट टूट गए कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता अंकुश होगा तेरे दिमाग में कोई तो भाई हाँ? अंकुश तो मुमीन का भाई भी है। अच्छा भाभी का भाई होगा अंकुश, तो फिर भाभी के लिए नहीं बोलना था उन्होंने ऐसा, ये कमेंट कमेंट वाले का नाम बताऊंगा मैं अभी। तो फिलहाल यहाँ पे रोटी बन रही है भाई, कोदे की रोटी। हाँ अरे वो समर बोल रहा था कि मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ, समर कैसे बोलेगा ब्लॉग में, हाँ बता दे यार, लड़ाई करो मेरे साथ। हाँ अच्छा ब्लॉग में लड़ा, ये देखो भाई ये घर आ गया, देखो सारे दिन भर हमारे छत में घूमते रहते हैं, हर शाम को खाना खाने के लिए घर। इसको ना मार के फर्क भी नहीं पड़ता पता है, जब मारते उसको तो भागता भी नहीं है वो, लेट जाता है। हाँ वहीं पे देखा जाएगा ये जो भी होगा। लोग सब खाना खा रहे हैं, और सचिन ने एक बात याद दिलाई और मेरे को भी याद आई, पिछले साल क्या था एक महीना ऐसा आता है जिसमें क्या होता है, क्या बोलते ताई मलय मास बोलते उसको, मजा मास। तो पिछली बार सपना आ रही थी माई के, तो बोल रही थी कि किसका मुंह नहीं देखते, सासू का मुंह नहीं देखते है ना भाई, क्या सीन है भाई, सासू का मुंह नहीं देखना मजा आई। ससुराल में रहने नहीं मतलब एक महीने तक है ना, इसलिए अब इस साल नहीं है ना नहीं। अच्छा तो भाई पता नहीं, लोग बोल रहे थे कि ये एक ही बार हुआ बोल के ना, मलय मास होता है जो बहुत सालों बाद एक बार आता है मलय मास है ना नहीं, नहीं।
एक महीने में दो ओंस आते हैं ना, इसलिए मलमास कहा जाता है। अच्छा तो इस टाइम नहीं आएगा मतलब मलमास? अच्छा दिन हो रहा था सचिन बोल रहा था पति का मुंह नहीं देखते वाले, सचिन को टेंशन हो रही थी भाई वीडियो कॉल में बात नहीं करते वाला, ऐसा बोल रहा था भाई मैंने कहा भले मास तो सुना था मैंने कि सास का मुंह नहीं देखते, तू अलग ही लगा रहा मैंने कहा कि वीडियो कॉल पे पति का मुंह नहीं देखते है ना। ताई जी को एक कमेंट आ रहा था, ताई मैं सुनाया ना अभी हाँ, तुम्हें ताई जी की बात सुनकर वाला हंसी आ जाती है भाई। ताई जी कॉमेडियन है भाई, जिसने वो कमेंट किया उसका बैंक का गोटा पे नहीं था वो तो नहीं बोल दे उसको वो भाई ये ऊपर चढ़ गई अबे बल, जिसने वो कमेंट किया बल उसकी इच्छा तो नहीं हो रही बल बैंक का गोटा पीने की है। परसों शिवरात्रि है ना, ये भी बता दो भाई हम अशुद्ध हो रखे ठीक है, सात को हम कल शुद्ध हो रहे हैं पता है ना, और कमेंट आ रखी है कि परसों नहीं जा सकते बोल के मंदिर में, तो बाहर से भी जा सकते हैं, बाहर से जा सकते हैं ना, नहीं जाना चाहिए यार, एक महीने वैसे तो एक महीना का इंतजार करना चाहिए हाँ। जाते नहीं वैसे मंदिर, नहीं अगर रोड पे रहे हम देखने के लिए जा सकते हैं ना, मंदिर में नहीं जाएंगे देखने के लिए तो जा ही सकते हैं बाहर से तो हाँ। तो हम अंदर नहीं जाएंगे भाई, अब काफी सारे लोगों ने बोल दिया, मम्मी बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी कि अंदर मत जाना, मतलब मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, बट जो देवलसारी मंदिर है ना वो सबसे अच्छी जगह पे बन रखा है, मतलब ऊपर रोड है और नीचे है मंदिर तो ऊपर से देख सकते हैं हम इजिली, और मैंने मेन बात क्या बताई कि डोली आ रही है उधर, तो डोली देखना तो जाना ही हाँ, तभी जा रहे हैं हम, हर साल आती है ना। और भाभी कुछ नहीं बोल रही भाई, भाभी क्या हो गया वहां आ रहा है बोला फटाफट से घर चलते भाई, पिछली बार आया था ना मेरे पास, इस टाइम नहीं आया, तो ये भी बोला था किसी ने कि यार बहुत कम आता है मजा, तो ये देखो भाई मम्मी आ रखी है जूते लेने ऊपर, तो मम्मी ने मैं जूते धोले थे और बोलते हैं कि जूते नहीं धुलवाते किसी से, बोले तो अपने जूते मम्मी से भी नहीं धुलवाते और दीदी से भी नहीं धुलवाते, तो पहले नहीं धुलवाता था भाई मैं, और अब क्या हुआ कि जब से ड्यूटी ज्वाइन की ना मैंने इधर, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और संडे को तो आपको पता ही है हम घूमने जाते, जिसकी वजह से मैं धुल नहीं पाता, वैसे कपड़े भी धुलता था मैं अपने और जूते भी धुलता था, तो तो मैंने बताया था मम्मी बोल रही किसी की बात मत देना, क्या हुआ जिस दिन हम शादी में जाते हैं ना तो अन्न हमारे यहाँ आता है, बिकॉज अन्न लोगों का घर ऊपर है, तो इसकी वजह से वो घर नहीं जा पाता, मतलब बहुत दूर पड़ता है उनके घर जाने के लिए, तो जब शादी में जाते हैं तो मेरे जूते पहन के जाते हैं, तो मम्मी बोल रही उसी के लिए, तो मैंने बताया था कि हम मंदिर में जा रहे हैं, तो मंदिर में जाने के लिए जूते तो धुल नहीं थे, जूते भी धुले मम्मी ने और कपड़े भी हाँ, मंदिर में जाएंगे पर ऊपर से रहेंगे भाई हम, जब शादी में जा सकते हैं तो मंदिर में भी जा सकते हैं, ऊपर से देखेंगे हम रोड से भाई, नीचे नहीं जाएंगे हम मंदिर के अंदर हाँ, तो चढ़ू नहीं ले जाएंगे भाई हम इस टाइम, क्या हुआ ये जब जाना है तो लोगों ने तो देखना ही है भाई, बोलने से क्या है भाई, बोलना तो जब जाना है तो बोलना तो पड़ता ही है, तो ऊपर से देखेंगे हम नीचे नहीं जाएंगे, मतलब डोली जो देखेंगे ऊपर से देखेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे भाई, ये अच्छी बात नहीं है, मैं दर्शन करा रहा हूँ आपको यार, कुछ भी कमेंट करते रहे तो तुम लोग, तो गाइस फाइनली रात के बज रहे 9:30, खाना भी खा लिया मस्त करके, और पिछले ब्लॉग में मैंने ये भी बताया था कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, क्वेश्चन करो उसके आंसर मैं अपने यूट्यूब चैनल में दूंगा, तो काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रखे हैं, और परसों मैंने वो वीडियो शूट कर लेनी थी, बट मैंने बताया था मेरे फोन का जो स्टोरेज है वो जल्दी भर जाता है, तो मैं दीदी के फोन पे बनाने की सोच रहा था, बट दीदी का फोन भी स्विच ऑफ हो रखा था, तो परसों तो मेरी छुट्टी है शिवरात्रि की, और फिर आ रहा है संडे, मतलब 2 दिन बाद फिर संडे आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि संडे को ही वो वीडियो शूट कर दूं, तो क्या पता उससे पहले भी कर सकता हूं, तो वैसे मैं ब्लॉग में बताता रहूंगा, तो फिलहाल मैं कर रहा हूं ब्लॉग की एंडिंग, तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखे, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।